हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बड़ी ज़बरदस्त सी सब्जी की और साथ वेजिटेबल। आज चावल के साथ दाल नहीं बनेगी, बनेगा बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमने चूल्हे पर चढ़ा दिया है एक मीडियम साइज का प्याज और अब इसको करेंगे हम गोल्डन। इधर हमने चढ़ा दिया है पतीला, इसमें डाल देंगे हम नमक 2 चम्मच और इसको अच्छे से बॉईल आने देंगे। बैंगन बनाने के 2-3 तरीके हैं लेकिन हम आज बनाएंगे भरता। पहले मैंने आपके साथ फ्राई बैंगन की रेसिपी शेयर की हुई है लेकिन आज भरते के साथ जो हम चावल बनाएंगे वो तो बहुत ही टेस्टफुल, आप बिना भरते के भी खा सकते हैं। और इसमें किन किन मसालों का इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास टमाटर, एक हमने बड़े साइज़ का लिया है टमाटर, ज़ीरा 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च वो भी 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट के अनुसार और यहाँ पर है कश्मीरी लाल मिर्च। बस लहसुन अदरक का इस्तेमाल हम इस सब्ज़ी में नहीं करेंगे क्योंकि बैंगन पहले से ही गर्म होते हैं। तो सबसे मेन और ज़रूरी बात, मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और देखें ज़बरदस्त सा भरता किस तरीके से बनेगा। यहाँ पर प्याज गोल्डन हैं, डाल देंगे थोड़ा सा पानी और ये सब मसाला और टमाटर, अब अच्छे से हम इसको भून लेंगे। गाय मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, यहाँ पर डाल देंगे हम सब्जी 1/2 सब्जी, किसी भी एंगल से काट लें क्योंकि इसका भरता ही बनना है। इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। चलिए गाइस अब ये देखें पानी बहुत अच्छे से बॉईल हो चुका है, हम इसमें डाल देंगे चावल और इसमें आज हमने किस सब्जी का इस्तेमाल करना है वो भी दिखाएंगे बॉईल चावल में। अब हम डाल देंगे यहाँ पर मटर। क्या टेस्टफुल चावल हमारे बनके रेडी होंगे, मटर वाले बॉइल्ड चावल साथ भरता, वाओ। ये देखिए गाइस चावल तो हो गए हैं बॉइल, अब हम इसको छान लेंगे अच्छे से। चलो गाइस ये हम अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें क्या शानदार कलर बना है और ये बहुत ही, ये देखें ज़बरदस्त से बैंगन गल चुके हैं। अब इसके अच्छे से यहाँ पर करेंगे भुनाई और साथ ही मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला ताकि वो भरते में अच्छे से मिक्स हो जाए, बाद में ऊपर से नहीं डालना। यहाँ पे गाइस इसको और हमने टेस्टफुल बनाने के लिए ले लिए हैं 2 लेमन, उनका रस इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इमली भी डाल सकते हैं लेकिन हमने आज डाला है यहाँ पर लेमन। बस इसकी अच्छे से हम भुनाई करते रहेंगे अभी मज़ीद। है ना गाइस बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी और मज़ेदार इतनी कि डेली बेस पे रोटी खा खा कर दिल तंग पड़ता है, तो सब्जी भी हम खा लेंगे जो हेल्दी है और इसी के साथ साथ राइस भी हम लोग सब्जी के साथ एंजॉय करेंगे। अगर आप तो रोटी खाना चाहें तो रोटी खाएं लेकिन हमने तो आज बनाए हैं इसके साथ चावल। सब्जी तकरीबन हो चुकी है डन, यहाँ पर डाल देंगे धनिया और इसको हम मिक्स करने के बाद करेंगे डिश आउट। कितना ज़बरदस्त कलर।
ये देखिए गाइस, जबरदस्त सा हमारा खाना हो गया है डन ना। मुझे दें इजाज़त, ऐसे ही चटपटे पकवान के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बाय।